बस अमरदीप जी, ये आखिरी पेपर सबमिट करने के बाद कोई लीगल इश्यूज नहीं होंगे। हर्ष, तुमने चेक कर लिया है सब पेपर्स बराबर है? एब्सोल्युटली सर, आप निश्चिंत रहिए। घर, बंगला, जमीन सब कुछ कवर्ड है ना इसमें? क्या सर, आप भी शहर के सबसे अच्छे वकील के ऊपर शक कर रहे हैं? अरे आप भरोसा कीजिए और एंजॉय कीजिए, अब ये सारी प्रॉपर्टी के मालिक आप हैं। That's good. आपकी रकम। Happy? Thank you. Okay, sir. Nice doing business with you. Hello. कौन? कौन है वहां? राख कहां से आई? राखी, नम्रता, इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी यार, हमें कहाँ लेके जा रही है तू? चल यार, उसका 21st बर्थडे है आज, ये जहाँ चाहेगी पार्टी वही होगी। एग्जैक्टली। वैसे भी मैडम ने ना अच्छी पिकनिक स्पॉट सोच के रखी है, चल देखते हैं कहाँ जा रही है। तुम तीनों सिस्टर्स के बीच ना मैं फंस गई हूँ। देखो नायला, तुम होगी स्वाति दी की फ्रेंड, पर स्वाति दी की मैं फेवरेट हूँ, इसलिए तुम्हें थोड़ा टॉर्चर तो सहना ही पड़ेगा। नम्रता, यही है ना वो स्पॉट? दीदी, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। कितनी प्यारी जगह है ना निम्मी, बट तू सिटी से दूर सीरियसली अपना बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करना चाहती है? ऑफ कोर्स, कितनी क्वाइट और ब्यूटीफुल पिकनिक प्लेस है ये, मैंने सोचा हम सब यहीं पे ज्यादा एंजॉय करेंगे। एंड यू नो, कुछ दिन से ना मुझे इस जगह के बहुत सपने आ रहे थे, और आप लोगों को याद है जब हम छोटे थे तो पापा हमें एक बार यहाँ पे लाए थे, इसलिए मैंने सोचा सबसे बेस्ट प्लेस यही होगा एंजॉय करने के लिए। निम्मी, अब तो 21 इयर्स की हो गई, इसलिए क्वाइट ब्यूटीफुल जगह के सपने देखना छोड़ दे और लड़कों के सपना देखना शुरू कर दे। यार केक तो निकालना।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nimmi. Happy birthday to you. Thank you so much. बस थैंक यू. और हमारे रिटर्न गिफ्ट्स कहाँ हैं? है बाबा, वो भी है, पर सरप्राइज है. So ready for the surprise? हाँ. Okay then. 1, 2, 3. उधर देखो. Surprise! तुम्हें इन दोनों के बारे में कैसे? I know. कैसा लगा surprise? बहुत अच्छा. अभी तो यही थी. कहाँ थी मतलब, कहाँ गई ये निम्मी भी? ना पता नहीं अकेले कहाँ चली गई. रुक कॉल करती हूँ. नम्रता, ये नेटवर्क भी. स्वाति यार बहुत लेट हो गया. नम्रता, क्या दीदी हमने अभी और विनय को भी भेज दिया, वही थोड़ी हेल्प कर देते. निम्मी, नम्रता चल यार ढूंढते. निम्मी, नम्रता, नम्रता, निम्मी, नम्रता, निम्मी, नम्रता, वो रही नम्रता. निम्मी, तू ठीक तो है और तू यहाँ क्या कर रही है? नम्रता चलो मुँह हाथ धो ले. हाथ मत लगाना मुझे. इसे क्या हो गया? नम्रता के बारे में कुछ पता चला?
पता नहीं दी, कल रात को गुस्से में चली गई और उसके बाद कोई बात नहीं हुई। आई डोंट अंडरस्टैंड, निमी को हुआ क्या है? चल चल उसके रूम में देखते हैं। नम्रता, निमी, व्हाट इज हैपनिंग? नम्रता ने मुझसे कहा था अबे 11 बजे कॉफी शॉप पर मिलने वाला है और ये खुद कहाँ चली गई? चल मम्मा को बताओ। दीदी, क्या दीदी हो क्या रहा है? बेड पर भी राख है। चलो मम्मी से पूछते हैं, वो पक्का उन्हें कुछ बता के गई होगी। अच्छा मम्मा, रेडी हो गए? अरे नम्रता कहाँ है, उसे भी ले आते। आपको भी नहीं मालूम, हम उसे ही तो लेने गए थे उसके रूम में, वहां थी नहीं। हमें लगा आपको कुछ बोल के गई होगी। शायद सुबह के कुछ क्लासेस होंगे। रामू काका आपसे कुछ बता कर गई नम्रता? नहीं कुछ बोली तो नहीं, पर वो सुबह सुबह बहुत तैयार होके कहीं बाहर जा रही थी। सुब, ऐसे अर्जेंटली कॉल करके क्यों बुला लिया मुझे? क्यों, तुम्हें मिलने के लिए कुछ होना जरूरी है? बस मन किया, तुम्हारी याद आई और तुम्हें कॉल करती। आई डिडंट अंडरस्टैंड। क्या अब है, इतना भी नहीं समझते? तुम जैसे अट्रैक्टिव लड़कों को अनुपमा जैसी चालाक और बोरिंग लड़कियां क्यों अच्छी लगती है? कम ऑन नम्रता, अनुपमा इतनी भी बोरिंग नहीं है। ओके, शी इज फन, और हाँ चालाक तो वो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा तुम्हें लगता है क्योंकि वो तुम्हारे सामने ऐसा बन रही होगी। अलग अलग तरीकों से लड़कों को फंसाती है वो अभय, और उन्हें अपने मतलब के लिए यूज करके छोड़ देती है। इतने सालों से मैं यही सब देखती आ रही हूँ। Anyways, I really liked you. बहुत स्वीट हो तुम। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नम्रता, तुम में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई तुम्हें पसंद ना करे। ठीक है, तो फिर अभी तुम जाओ, जैसे ही सही वक्त होगा मैं तुम्हें बुला लूंगी। ओके। हे, तुम यहाँ क्या कर रही? क्या हो गया, रो क्यों रही हो? तुम नहीं समझोगी थी, तुम चली जाओ यहाँ से। नम्रता, बहन हूँ मैं तुम्हारी, कैसे नहीं समझूंगी? अच्छा चलो बताओ क्या। वो अभय ने मुझे यहाँ 10 बजे बुलाया था, कह रहा था कि तुम्हें सरप्राइज देना चाहता है, उसी के प्रिपरेशन में हेल्प चाह रहा था। तुम्हें 11 बजे बुलाया था ना? हाँ, फिर जैसे मैं यहाँ पहुंची तो मेरे साथ फ्लर्ट करने लगा। मैंने उसे समझाया पर कहने लगा कि तुम पर से उसका मन उठ चुका है, और अगर मैं मान जाऊं तो वो तुम्हें छोड़ देगा। नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती थी, इसीलिए मैं आपको बोलना नहीं चाहती थी। पर आई स्वेयर दी, उसने मेरा हाथ पकड़ के ये सब कहा। मैं तो शॉक हो गई थी, आई कांट बिलीव कि वो आप पर चीट कर रहा है, वो आपको डंप करना चाहता है।
अमृता बिटिया, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? कुछ चाहिए? ये कागजात क्या है? कागजात वापस कर दो। ये कागजात तो साहब के नाम के हैं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैंने कहा कागजात वापस करो। नहीं। तमीज भूल गए अपनी, याद नहीं है छोटी मालकिन को सवाल पूछने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। तू भी जिंदगी भर उसी का सगा रहा, कभी किसी और की नहीं सुनी, अपनी छोटी मालकिन की भी नहीं, इसीलिए अब तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। माफ करो मुझे। हमारे घर में हो क्या रहा है? ये कैसी अजीब आग थी जिसमें रामू काका जल गए और ये तिजोरी पिघल गई? लोहा पिघलाने वाली आग, जिससे ना तो कोई धुआं उठा ना किसी को कुछ पता चला। मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अब चुपचाप खड़े क्यों, कुछ बोलिए ना। अरे तुम लोग शांत भी रहोगे? बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। ये सोच रहा हूं कि अगर चोर इस घर के अंदर आए भी तो घर में इतने सारे लोग हैं, बिना शोर मचाए उन्होंने ये सब किया कैसे होगा? आपने ठीक से चेक किया वो लोग क्या क्या चुरा कर गए? मेरी माँ की आखिरी निशानी उनका हार और मेरी लैंड के पेपर्स। माजे का हार और जमीन के पेपर्स। और ये नम्रता कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। स्वाति, तूने इसको कहीं देखा है क्या? नम्रता कहाँ गई? फोन लगा उसे जल्दी। माँ टेंशन मत लो, मैं अभी पता करती हूँ। हाँ स्वाति। नम्रता मिली क्या? नम्रता मेरे सामने ही है, मिलना चाहती थी वो। क्यों, क्या बात है? पता नहीं कुछ अजीब तरीके से बिहेव करने लगी है। खैर एनीवे तू टेंशन मत ले, मैं उसे सेफली घर ड्रॉप कर दूंगी। ओके चल बाय। बाय। नम्रता, नम्रता, नम्रता सुन। नम्रता घर चल। खड़ी हो नम्रता? नम्रता मैं नम्रता नहीं हूं, रेखा हूं। रेखा, मुझे क्यों मार रही हो? मैंने क्या बिगाड़ा? अमरदीप के परिवार में मैं किसी को भी खुश नहीं रहने दूंगी, कोई उन्हें खुशी नहीं देगा। उनके
की बेटियों की दोस्त है ना तू, उन्हें दुख से दूर रखेगी तू, मैं तुझे ही दूर कर दूंगी। थैंक यू पापा, आपके नाम की चिट्ठी आई। हाँ बेटा, ये चिट्ठी किसने दी तुम्हें? बाहर लेटर बॉक्स में पड़ी थी, वहीं से लेके आई हूँ। क्यों? नहीं नहीं, बैठो ना, नाश्ता करो। क्या हुआ, ऐसा क्या इस चिट्ठी में? कुछ नहीं, कुछ बिजनेस के जरूरी कागजात हैं। तुम लोग नाश्ता करो, मैं जरा आता हूं। हाँ अमृता, तुम इस रास्ते पर क्या कर रही हो? बस तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? चले चलो। ऐसी क्या चीज है जो एक अच्छे खासे स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट लड़के को अंधा बना देती है? सॉरी, हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, एज इफ हम दोनों बस एक दूसरे के लिए ही बने हैं, पर तुम तो स्वाति के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कम ऑन अमृता, स्वाति आखिर तुम्हारी तो बहन है और इतनी भी खराब नहीं है। है, पर इससे खूबसूरत नहीं है। देखो मेरी तरफ है ना, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती? You are pretty, but you know ना कि I love Swati, पर मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। लोग मंगनी के बाद रिश्ता तोड़ देते हैं, और तुम्हारा तो सिर्फ एक रिलेशनशिप ही है। छोड़ दो स्वाति, मेरे हो जाओ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? बिहेव योरसेल्फ अमृता, कब से समझा रहा हूँ, समझ ही नहीं रही हो? आई लव स्वाति और मैं उसे कभी चीट नहीं करूंगा। एक बात समझ लो, तुम मुझसे दूर रहो। तुम चाहकर भी खुद को मुझसे दूर नहीं रख सकते विनय। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, उतरो अभी गाड़ी से। मुझे मना करेगा तू? नहीं विनय, नहीं। अब तू वही करेगा जो मैं चाहूंगी। क्या हुआ स्वाति, बात हुई क्या? मम्मा का फोन अभी भी ऑफ आ रहा है। अच्छा एक काम करो, दिव्या आंटी को फोन लगाओ, उनके साथ गई थी ना। नीचे। हेलो। हेलो दिव्या जी, नमस्ते। नमस्ते। सविता आपके साथ मंदिर गई थी ना? हाँ जी। अभी तक लौटी नहीं है, तो मैंने कहा आपसे फोन कर बात कर लूं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को पिकअप करने आ सकता हूँ। क्या वो अब तक नहीं आई? नहीं। अरे पर वो तो 2 घंटे पहले ही मंदिर से चली गई थी। 2 घंटे पहले? वो स्वाति का कोई दोस्त पीने आया था उन्हें लेने। अच्छा अच्छा, तो शायद आते ही होंगे। जी हाँ। थैंक यू सो मच जी। ओके वेलकम। सविता तुम्हारे किसी दोस्त विनय के साथ 2 घंटे पहले निकल चुकी है घर के लिए, जरा बात तो करो, पता लगाओ कहाँ है विनय। वो क्यों पिक कर रहा है मम्मा को? विनय फोन नहीं उठा रहा। ये विनय है कौन? बताओ पापा को कौन है विनय।
क्या लगता है ये तुम्हारा? बताओ पापा को, विनय कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं है तुम्हारा, बॉयफ्रेंड है तुम्हारा। बॉयफ्रेंड? क्या कह रही है ये? पापा ये कुछ भी बोल रही, निम्मी। क्या हो गया इसे? अरे तू तू कोशिश करना। पापा एक ऐप है जिससे लोकेशन शेयर होती है, उस पे देखती हूँ। देखो जल्दी देखो। जहाँ चेक करना है कर, जल्दी कर। उसकी बीवी के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। क्या हो रहा है तुझे, क्या बकवास कर रही है? अरे तू पता लगा। पापा मिल गई लोकेशन, पता चल गया वो कहाँ है। पापा यहाँ से राइट, फिर सीधा और फिर दोबारा राइट। पर वो सविता को इस रास्ते पे लाया क्यों? पापा आप ये रास्ता जानते हैं, बहुत आना जाना रहा है पापा का यहाँ। ये रास्ते पापा कैसे भूल सकते हैं? बस बस पापा यहीं का सिग्नल है। कहाँ जाना है स्वाति? पापा यहीं दिखा रहा है। चलो मैं बताती हूँ। तुम्हें कैसे पता? मेरे साथ चलो। मेरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो? नहीं प्लीज। सविता, विनय, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। छोड़ो उसे। खबरदार जो हाथ लगाया। पापा। पापा। विनय तुम क्या कर रहे हो? विनय स्टॉप इट। विनय ठीक हो ना? आज अगर तुम नहीं आते तो तुम्हारी बीवी भी किसी और की तरह जलकर राख हो जाती। याद है ना किसकी बात कर रही हूं मैं? स्वाति संभालो अपने आप को। पापा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर पापा विनय को नहीं मारते तो वो मम्मा को मार देता। देखो गौर से सुनो सब। विनय की मौत के बारे में कोई किसी से कोई बात नहीं करे। ये सब हमारे बीच की बात है और हमारे बीच में ही रहना चाहिए। कोई भी सच हमेशा के लिए नहीं छुपता, कभी ना कभी बाहर आता ही है। चुप हो जा, तू एकदम चुप हो जा। मैं तुम्हारे मुंह से एक शब्द ही सुनना चाहता हूँ। अब मेरी नहीं, तुम्हारे समझने की बारी है मुन्ना। बदतमीज लड़की, ये कौन सा तरीका है अपने पापा से बात करने का? माफी मांगो उनसे। मुन्ना को मुन्ना नहीं बोलूंगी तो और क्या बोलूंगी? क्यों मुन्ना? एक और शब्द बोला ना मैं तेरी जबान खींच लूंगी। अबे तुम यहां क्या कर रहे हो? आ गए तुम, यहां मेरे पास आ। अबे ये क्या कर रहे हो तुम? मैं नम्रता से शादी करना चाहता हूँ। What are you saying? हमने डिसाइड किया था ना कि तुम पापा से आके हमारी शादी की बात करोगे, और अब तुम नम्रता से?
उसे छोड़ो, मेरे पास आ और बताओ मुझसे कितना प्यार करते हो तुम। कौन है ये लड़का? पापा ये अभय है, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और ये आपसे आके बात भी करने वाला था पर पता नहीं इसे क्या हो गया, ये नम्रता से शादी करने की बात कर रहा है। मुन्ना से मत बोल नहीं तो वो इसे भी गोली मार दे। जान लेना इसकी आदत बन रही, आखिर लोगों को मार कर दफनाने के लिए इसके नाम पे जमीन जो है क्यों मुन्ना? ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्यों ऐसे बातें कर रही है? पागल हो गई है ये। किसी भी चीज का अफसोस नहीं दिख रहा इसके चेहरे पर। प्लीज इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाइए, देखिए ना ये कैसे बिहेव कर रही है। क्यों मुन्ना, मैं तुझे भी पागल लगती हूँ क्या? चुप हो जाओ, शट अप। कब तक चुप करवाएगा? किसी की भी आवाज हमेशा के लिए बंद नहीं की जा सकती। ये क्या बोल रही है, आपको जानते हैं? चलो अभय, यहाँ बहुत शोर है, कहीं बाहर चलते हैं। निम्बी रुक जा बेटा, तू क्यों कर रही है ऐसा? मुन्ना से पूछ, सब पता चल जाएगा। अभय, अभय, नम्रता, अनुदी, अपनी बड़ी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ तुम ये सब कर रही हो? मना किया था ना तेरे बाप ने इससे मिलने को, फिर क्यों आई है तू यहाँ? मैं तुझे कोई खुशी हासिल करने नहीं दूंगी, मैंने छीन लिया है तुझसे इसको, अब ये सिर्फ मेरा है, मेरा। कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रही हो हमारे साथ? जा, जाकर पूछ अपने बाप से, पूछ कि उसने ये सब रेखा के साथ क्यों किया। जा। कौन हो तुम? छोड़ो, दूर जाओ। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? क्योंकि तुमने अमरदीप की बेटी से प्यार किया, उसे खुशी दी तुमने, इसीलिए मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारी सजा है मौत। मुझे छोड़ दो। Thank you.
पापा प्लीज बताइए ना, वही है जो हमारे पीछे पड़ी है, पर क्यों पापा, कौन है ये रेखा? रेखा? ये तुमसे किसने बताया? रेखा तो तुम्हारी बुआ का नाम था। हमारी बुआ? और उन्हें तो मरे हुए सालों हो गए, वो कैसे वापस आ सकती है? वो वापस आ गई है मम्मा, ये वही है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जिस चीज की शुरुआत मुझसे हुई थी ना, उसे खत्म भी मुझे ही करना पड़ेगा। क्या हो गया नम्रता? ये क्या हो रहा है? मेरी बच्ची नहीं, नहीं मेरी बच्ची नम्रता, नम्रता नहीं, नहीं, नहीं। राखी के बंधन को निभाना। कौन है? कौन है? ठीक है, कौन है? कौन है? कौन है? क्या हुआ मुन्ना? आज अपनी बेटी की लाश पर तुझे बहुत रोना आया है। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा था। तुम लोग कैसे आया? मैं ही लेकर आई हुई नहीं यहाँ। तुम्हारी सच्चाई अब किसी से भी नहीं छुपेगी। बोल दे, मैं तो तेरा अपना खून थी ना, तेरी अपनी बहन। तूने ये सब मेरे साथ क्यों किया? तुम पूरी तरह से पागल हो चुकी थी रेखा, और अपनी जान अपने आप ली थी, फिर इसमें इनकी क्या गलती है? हमारी जान क्यों लेना चाहती हो तुम? पागल नहीं थी मैं, नहीं थी मैं पागल। अमरदीप के लालच ने मुझे मार डाला। पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अमरजीत को शक था कहीं पापा अपनी सारी जायदाद मेरे नाम न करवा दें, इसीलिए इसने मुझे सालों कमरे में बंद रखा और धीरे धीरे सबको भरोसा दिला दिया कि मैं पागल हूँ। जायदाद अपने नाम करवाने के बाद इसने अपने हाथों से मेरा खून कर दिया, मार डाला मुझे, जला दिया मुझे और सबको बता दिया कि मैंने खुदकुशी की है। तुझे याद है ना मुन्ना, मैंने मरते मरते तुझे क्या कहा था? कि तेरे घर में भी बेटियां होंगी और वो भी मेरी तरह तुम्हारी रहेंगी। इसीलिए मैंने विनय और अभय को भी मार डाला। नायला तुम लोगों की दोस्त थी ना, मैंने मार डाला उसे भी। याद है ना तुझे? हाँ हाँ मुझे याद है, मुझे याद। मैं मानता हूँ मेरे से गलती हो गई, मैंने तुम्हें जलाकर मार दिया और यहीं पर दफना दिया। मुझे माफ कर दो।
पैसा जरूरी होता है पर किसी के जान से ज्यादा कीमती नहीं। पापा ने जायदाद के लिए बुआ के साथ जो भी किया उसकी सजा आज हम सबको भुगतनी पड़ी। गलत इरादे एक पल की खुशी तो दे सकते हैं पर सुख का कारण कभी नहीं बन सकते।